परीक्षा पर चर्चा 2023 का आयोजन शुरू हो चुका है और इसके लिए अब हमारे पास वो वेबसाइट है जिससे हम आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आपके परीक्षा को लेकर आपके मन में जो भी प्रश्न है वो आप इस पार्टिसिपेशन के माध्यम से पूछ सकते हैं, साथ ही अपना विचार रख सकते हैं। और यदि आपके विचार पसंद आए और आपका प्रश्न पसंद आया तो फिर आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल चाहे लैपटॉप से आपको पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करना है। और इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है जहाँ पे हमें जाना है। अगर आपको वेबसाइट याद नहीं है तो आप डायरेक्टली परीक्षा पर चर्चा 2023 कर सकते हैं टाइप और आप आसानी से इसमें एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब इसके बाद हमें करना है पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक। तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नाउ पर क्लिक करेंगे और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं। जैसे सबसे पहला ऑप्शन है स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन, तो इसमें 9वीं से 12वीं कक्षा तक का कोई भी बच्चा इसमें सेल्फ पार्टिसिपेशन कर सकता है। वह खुद से अपने बारे में लिख सकता है और उसको सबमिट कर सकता है, अपनी एंट्री खुद से कर सकता है। दूसरा है स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन, इसमें जैसे कोई टीचर लॉगिन करेंगे, मान लीजिए मैंने लॉगिन किया है, आप अपने सारे इंफॉर्मेशन मुझे देंगे और मैं आपके तरफ से उसको सबमिट करूंगी। तो ये हो गया स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर लॉगिन। इसके बाद है टीचर, ये टीचर्स के लिए है, टीचर्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी अपने सवाल इसमें रख सकते हैं और उनका भी सवाल अगर सेलेक्ट होता है तो वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा उस सवाल का जवाब दिया जाता है। इसी तरह इसमें पेरेंट भी शामिल हो सकते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्टूडेंट सेल्फ पार्टिसिपेशन कैसे करेंगे। इसके लिए हमें क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि डालनी है जो आपको कैलेंडर के माध्यम से देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैलेंडर से कोई सा भी जो आपका मतलब डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, मान लीजिए मैंने इसको कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर आप अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे, ये 9 to 12 ही होगा, तो जिस कक्षा में आप पढ़ते हैं उस कक्षा को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे माता या पिता का नाम आपको डालना है, जो भी आप चाहें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसके बाद फिर आपको अपना स्कूल का नाम यहाँ पे लिखना है, तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैं स्कूल का नाम लिख रही हूँ, के बाद यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे हमारा जो बोर्ड है वो क्या है, स्टेट बोर्ड है, तो हम यहाँ पे स्टेट बोर्ड में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम झारखंड सर्च करेंगे, झारखंड, तो ये हमारा बोर्ड हो गया। फिर हम अपना यहाँ पे पता डालेंगे, फिर यहाँ पे इंडिया तो रहेगा ही, और यहाँ पे हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे मान लेते हैं हमारा तो यहाँ पे झारखंड है तो हमने झारखंड को सेलेक्ट कर लिया है। और फिर हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट बोकारो है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। ये सारे एंट्रीज डालने के बाद फिर आपको यहाँ पे, यहाँ सावधानी से आप देखिए कि आपको थीम सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी एक थीम जिसके ऊपर आपको लिखना है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, पहला है हमारी आज़ादी के नायक, हमारी संस्कृति हमारा गर्व, मेरी प्रिय किताब, आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य क्यों जरूरी है, मेरा स्टार्टअप का सपना, सीमाओं के बिना शिक्षा, स्टेम एजुकेशन जिसको हम कहते हैं एजुकेशन विदाउट बाउंड्रीज को वो प्रमोट करता है, टॉयज एंड गेम बेस्ड लर्निंग इन स्कूल्स। तो ये थीम है जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। इसमें आपको 1500 कैरेक्टर्स के भीतर आपको अपने विषय को लिखना है, तो आप कोशिश करें कि अंग्रेजी में लिखें, और अगर आप हिंदी में भी लिखते हैं तो यहाँ पे सबमिट होने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, जो मैंने पिछली बार फेस किया था। तो आप ये कोशिश करें कि अंग्रेजी में ही लिखें, या फिर आप हिंदी में लिखिए और उसका आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे एक सवाल लिखेंगे, ये ऑप्शनल है, आप पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी सवाल है जो कि परीक्षा को लेकर आपके मन में तनाव को दर्शाता है तो आप वो सवाल
पूछ सकते हैं, और वो सवाल 500 से अधिक कैरेक्टर में नहीं होने चाहिए। फिर आप या तो इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं या फिर आप सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करते ही आपका वहाँ पे जो सबमिशन का एक आपके पास आ जाएगा मोबाइल में कि हाँ आपका ये सबमिट हो चुका है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो दूसरा है टीचर के थ्रू लॉगिन का, वो क्या है। तो इसमें हम देखेंगे, एक तो हो गया स्टूडेंट के तरफ से लॉगिन। अब हम देखते हैं कि अगर आप टीचर के लॉगिन के थ्रू करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन थ्रू टीचर, तो यहाँ पे आप जैसे मान लीजिए मुझे सबमिट करना है किसी स्टूडेंट का, तो यहाँ पे मैं उसका सारा विवरण लिखूंगी, स्कूल का, बोर्ड का, सब कुछ, एक्टिविटीज, और फिर यहाँ पे सवाल, जैसे स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते थे, सेम वही फॉर्मेट है, बस ये टीचर लॉगिन के थ्रू होता है। चूंकि यहाँ पे मेरा लॉगिन किया हुआ है तो मैं आपके बदले इसको भर सकती हूँ, लेकिन सारी चीजें आपको इसमें लिख के देनी होंगी। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो टीचर है वो कैसे लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पे टीचर्स के लिए लॉगिन है। इसमें ध्यान रखिएगा कि जैसे मैंने पीपीसी में पहले से माइगोव में मेरा लॉगिन आईडी है बना हुआ, तो मैं यहाँ पे लॉगिन कर पा रही हूँ। यहाँ पे मेरा नाम भी दिख रहा है, ठीक है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो आप सबसे पहले साइन अप करेंगे, अपना लॉगिन आईडी जनरेट करेंगे, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। बाकी जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो तो फिल करनी ही है, जिस तरह से हमने स्टूडेंट में किया था जस्ट वैसे ही हमें अपने टीचर्स के लिए भी करना है, मतलब खुद के लिए भी करना है। यहाँ पे हमें अपने विषयों को चूज करना है और जैसे मैं एक विषय को सिखाती हूँ तो यहाँ पे मेरा एक सेलेक्ट हो गया है। अगर आप एक से अधिक विषय को भी चूज कर सकते हैं क्या, नहीं, एक विषय को ही यहाँ पे चुन सकते हैं। तो यहाँ पे सारे विषय दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई एक विषय चुनना है। इसके बाद स्कूल का नाम, बोर्ड, एड्रेस, कंट्री, यूटी, ये सब जनरल जो डिटेल्स हैं वो हैं। फिर यहाँ पे टीचर्स के लिए भी थीम है, हमारी धरोहर, शिक्षा का अनुकूल माहौल, कौशल के लिए शिक्षा, पाठ्यक्रम का कम भार और परीक्षा का कोई भय नहीं, भविष्य में शिक्षा की चुनौतियाँ। तो ये इन थीम में से किसी एक थीम पर 1500 शब्दों के भीतर हम अपनी बात को लिखेंगे और फिर हम उसको सबमिट कर सकते हैं। तो ये हो गया कि एक टीचर के रूप में अगर हम भागीदारी करना चाहते हैं इसमें तो हम कैसे करेंगे। और अब अंतिम है इसमें कि गार्जियन के रूप में हम भागीदारी कैसे करेंगे। तो पेरेंट के लिए भी जैसे माता पिता का नाम, आईडी, जो साधारण जो जनरल इंफॉर्मेशन हमने पहले भरी थी तो वो होगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे बस एक ऑक्यूपेशन जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसमें हम देख लेंगे कि हम किस चीज़ को फुलफिल करते हैं। अगर हम कोई नौकरी नहीं करते हैं, ठीक है, हम घर में हैं, घर में रहते हैं और जो दैनिक घर के काम होते हैं वो हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे होम मेकर सेलेक्ट करेंगे। अगर हम किसान हैं तो फार्मर सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा कोई छोटा मोटा व्यवसाय या कुछ भी तो हम बिजनेस करेंगे। अगर हम प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर करेंगे। इसके अलावा अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हम लिखेंगे रिटायर्ड है तो लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट में काम कर रहे हैं किसी निजी विद्यालय में तो हम उसको लिख सकते हैं। अगर हम किसी सरकारी विद्यालय में काम कर रहे हैं तो हम उसको भी लिख सकते हैं। लेकिन इसमें वही माता पिता भाग लेंगे जिनके बच्चे 9वीं से 12वीं तक में पढ़ते हैं। और इसके अलावा भी अगर हमारा कोई कोटी है और यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो हम एनी अदर को चुन सकते हैं। इसके अलावा बाकी चीजें वैसी ही हैं। और रिलेशनशिप विद चाइल्ड, कि मतलब बच्चे के साथ आपका संबंध क्या है, माता पिता या अभिभावक हैं तो फिर मतलब एज पेरेंट है तो माता है या पिता है, तो वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना होगा कि मदर, फादर, और इनकेस अगर आप अभिभावक हैं तो एनी अदर। इसके बाद यहाँ पे बच्चे का पूरा विवरण आ जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो थीम है इसको हम ध्यान देंगे, मेरा बच्चा मेरा अध्यापक, प्रौढ़ शिक्षा, सभी को साक्षर बनाए, सीखना और एक साथ बढ़ना। तो ये तीन थीम है, इस तीनों थीम में से किसी भी एक थीम पर जो अभिभावक है वो अपनी बातों को रख सकते हैं और फिर वो सबमिट का बटन दबाएंगे। तो इस तरह से बहुत आसान है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो रिवार्ड्स हैं वो क्या हैं। तो
जब हम परीक्षा पर चर्चा कॉन्टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें रिवार्ड्स भी हैं, जैसे जो 2050 स्टूडेंट, टीचर और पेरेंट इन्हें इस कंपटीशन के थ्रू सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें एक पीपीसी किट दिया जाता है, परीक्षा पर चर्चा किट, और यह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से दिया जाता है। साथ ही साथ ये अपने आप में एक बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हम अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह के एक राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। और वो भागीदारी करना बिल्कुल आसान है, हम अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और झारखंड का पार्टिसिपेशन राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे तरीके से दिखेगा। धन्यवाद।